हाय फ्रेंड्स, मैं अनिल आज आपको उबंटू कैसे इंस्टॉल करते हैं ये बताऊंगा, और साथ साथ में ये भी बताऊंगा कि बूटेबल पेन ड्राइव उबंटू के लिए कैसे क्रिएट करते हैं। तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है जिसका नाम है यूनिट बूटिन। इसके थ्रू हम बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे। सबसे पहले ये दो सॉफ्टवेयर हैं, एक यूनिट बूटिन विंडोज 9585, ये सॉफ्टवेयर है जिसके जरिए आप बूटेबल पेन ड्राइव बनाएंगे, और ये ऑपरेटिंग सिस्टम है उबंटू 10.04 बीटा 2। तो अभी मैं इन दोनों सॉफ्टवेयर जो कि मेरे पेन ड्राइव में, इनको मैं कॉपी करके अपने सिस्टम पे रखता हूँ। फाइल कॉपी होने के बाद मैं पेन ड्राइव को पहले डिस्क पार्ट से फॉर्मेट करूंगा, और पेन ड्राइव को मैं एक पार्टीशन बनाऊंगा पेन ड्राइव में, और वो पार्टीशन जो होगा वो प्राइमरी पार्टीशन होगा, और उस पार्टीशन को मैं एक्टिव करूंगा, तभी वो पेन ड्राइव इस सॉफ्टवेयर के थ्रू बूटेबल बनेगी। अगर मैं डिस्क पार्ट के थ्रू इसको फॉर्मेट नहीं करूंगा तो ये पेन ड्राइव डायरेक्टली बूटेबल नहीं बन पाएगी। तो डेटा कॉपी होने के बाद मैं डिस्क पार्ट पे जाऊंगा, कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिनिस्ट्रेटर, कमांड प्रॉम्प्ट ओपन हो जाएगा। यहाँ से आप डिस्क पार्ट कमांड चलाएंगे, एंटर प्रेस करेंगे, देन उसके बाद लिस्ट डिस्क करेंगे। यहाँ देखेंगे डिस्क वन और डिस्क जीरो, दो डिस्क शो कर रहा है। डिस्क जीरो जो है वो 465 GB की है, जो कि लोकल हार्ड डिस्क है, सिस्टम में लगी हुई हार्ड डिस्क है, और ये जो 3819 MB शो कर रहा है ये हमारी पेन ड्राइव है, यानी डिस्क वन इज पेन ड्राइव। सेलेक्ट डिस्क वन करेंगे, एंटर करेंगे, तो इससे हमारी पेन ड्राइव सेलेक्ट हो गई है। ये सिलेक्शन इसलिए होता है कि एक्चुअली किस ड्राइव के साथ आपको काम कर रहे हैं वो सेलेक्ट करना पड़ता है। अब मैं यहाँ पर डायरेक्टली एक पार्टीशन क्रिएट करता हूँ, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी, इसके लिए कमांड चलानी पड़ेगी, क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी। ये जो कमांड है ये पेन ड्राइव में पार्टीशन बना देगी, प्राइमरी पार्टीशन। एंटर प्रेस किया तो कह रहा यूज फ्री एक्सटेंडेड, कह रहा है कि ये पार्टीशन नहीं बन सकता क्योंकि इसमें कोई भी स्पेस फ्री नहीं है। तो इससे पहले इसको हमें क्लीन करना पड़ेगा। पेन ड्राइव को क्लीन किया, अब दोबारा से मैं इसको क्रिएट पार्टीशन प्राइमरी चलाता हूँ, एंटर करता हूँ, ये पार्टीशन हमारा क्रिएट हो गया है। देन उसके बाद एक्टिव करेंगे पार्टीशन को। एक्टिव होने के बाद फॉर्मेट कमांड चलाएंगे, एफ फॉर्मेट स्पेस, जल्दी से फॉर्मेट करने के लिए क्विक करेंगे, फॉर्मेट क्विक, एंटर प्रेस करेंगे, पेन ड्राइव हमारी फॉर्मेट हो गई। एग्जिट करेंगे डिस्क पार्ट से। उसके बाद सॉफ्टवेयर जो मैंने रखा है अपने सिस्टम में, इस सॉफ्टवेयर यूनिट बूटिन, इस सॉफ्टवेयर को डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर ये डिस्ट्रीब्यूशन ऑनलाइन सेलेक्ट करने के लिए बोल रहा है, और दूसरा ये है कि अगर आपके पास ISO इमेज है तो वो सेलेक्ट कर सकते हैं। यहाँ बाय डिफॉल्ट पेन ड्राइव ही यूज़ करेगा, ये सेलेक्ट करेगा डिस्क ड्राइव टाइप, यहाँ से ISO। अब वो ISO जो हमारी उबंटू की ISO फाइल है वो यहाँ से ब्राउज करके हमें सेलेक्ट करनी पड़ेगी। तो मैंने इसको ई ड्राइव, डेटा ड्राइव में रखा है ISO फाइल उबंटू का, ये ISO फाइल है उबंटू का, सेलेक्ट किया, ओपन करते हैं, देन ओके प्रेस करते हैं। ये उबंटू का बूटेबल पेन ड्राइव बन रहा है, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। यस, ये 100% हो गया है। अब ये रिबूट करेंगे तो तुरंत इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगा, तो अभी रिबूट नहीं करते हैं, एग्जिट करते हैं। अब हमारी पेन ड्राइव जो है वो बूटेबल बन चुकी है उबंटू के लिए। अभी मुझे क्या करना है, ये मैंने वर्चुअल मशीन बनाई है उबंटू के लिए,
इसको मुझे इस पे इंस्टॉल करना है, तो डिवाइसेस पे जाऊंगा, यहाँ से मैं पेन ड्राइव सेलेक्ट करूंगा, यूएसबी, ये पेन ड्राइव है। देन उसके बाद सिस्टम को रीसेट करूंगा, ये वर्चुअल मशीन में इंस्टॉल नहीं हो रहा है, डिटेक्ट नहीं कर रहा है। एक बार मैं दोबारा से ट्राई करता हूँ, स्कैन डिस्क, देन रीसेट। आप इसको फिजिकल मशीन पे डायरेक्ट पेन ड्राइव से बूट कराएंगे तो ये बूट करेगी। अभी मैं इसको इंस्टॉल कर रहा हूँ डायरेक्टली वर्चुअल सीडी से। तो वैसे आप देख सकते हैं ये जो आपका पेन ड्राइव है डिटेक्ट कर रहा है, पेन ड्राइव मैंने निकाल के दोबारा से लगाया, तो ये जो पेन ड्राइव आई इंस्टॉल उबंटू, ये बूटेबल शो कर रहा है पेन ड्राइव। इसको अगर आप करेंगे उसके ज़रिए तो इंस्टॉलेशन स्टार्ट होगा। ये यहाँ से आप उबंटू इंस्टॉल सेलेक्ट कर सकते हैं, या मैं आई सेलेक्ट कर लेता हूँ, चूज आई, यस। अब मशीन को मैं रीसेट करता हूँ, ये उबंटू का इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो चुका है। थोड़ा सा टाइम लेगा। ट्राई उबंटू, अगर आपको उबंटू सिर्फ ट्राई करना है यानी विदाउट इंस्टॉलेशन करना है, लाइव सीडी चलानी है, तो ट्राई उबंटू कर सकते हैं। अगर इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉल कर सकते हैं। इंस्टॉल करना है तो इंस्टॉलेशन पे क्लिक करते हैं, यहाँ से लैंग्वेज जोन सेलेक्ट कर सकते हैं, डिफ़ॉल्ट रखना चाहते हैं तो डिफ़ॉल्ट रखिए, मैं डिफ़ॉल्ट ही सेट कर रहा हूँ। फॉरवर्ड पे क्लिक करता हूँ, यहाँ से कीबोर्ड इंग्लिश होगा, डिफ़ॉल्ट कीबोर्ड लैंग्वेज होगी। यहाँ से आप इरेज एंड यूज़ द इंटायर डिस्क, पूरी डिस्क इरेज करके मैं यूज़ कर रहा हूँ। पासवर्ड, यूज़र नेम जो सेट करना है, मैंने अपना यूज़र नेम सेलेक्ट किया है। देन जो पासवर्ड डालना है, पासवर्ड सेट कर देते हैं, फॉरवर्ड इंस्टॉल, ये इंस्टॉलेशन हो रहा है। थोड़ा सा टाइम लेगा ये, आप देख सकते हैं ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गया है, 100% बाहर गया है, उसके बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट। सिस्टम को मैं रिस्टार्ट करता हूँ एक बार, रिस्टार्ट होने के बाद इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो जाएगा। यहाँ से आपको ये रिमूवल टिक हटाना पड़ेगा, अदरवाइज इंस्टॉलेशन दोबारा से बिगिन हो सकता है। प्लीज़ रिमूव डिस्क क्लोज ट्रे इफ देन एंटर। ओके,
ये है उबंटू। पासवर्ड डाल के लॉगिन करके चेक करते हैं, ये इसका डेस्कटॉप है। तो ये था इंस्टॉलेशन और कैसे पेन ड्राइव को बूटेबल बनाते हैं। हालांकि पेन ड्राइव को बूटेबल बनाने के बाद डायरेक्ट ये से बूट नहीं किया पेन ड्राइव से, पेन ड्राइव से फिजिकल मशीन पे अगर आप कनेक्ट करते हो तो वो बूट करेगा, क्योंकि मैंने वर्चुअल मशीन पे इंस्टॉल किया है। तो यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम आई है कि जो ओरेकल वर्चुअल मशीन, अगर मैं VMware यूज़ करता तो शायद डिटेक्ट करता, यहाँ ओरेकल पे डिटेक्शन की प्रॉब्लम आ रही थी, इस वजह से पेन ड्राइव से बूट नहीं किया। लेकिन पेन ड्राइव कैसे बूटेबल बनती है ये आपने देखा। और दूसरा, इंस्टॉलेशन मैंने जो किया है वो CD से किया है, लाइव CD से। तो आप देख सकते हैं कि ये इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो चुका है। सो थैंक यू फॉर विजिटिंग माई ब्लॉग।